एक सफर है। इस सफर में आपको स्वागत है। मेरा सफर वही मेरा घर है। मेरे इस सफर में आप मेरे साथ हो। आपके बिना ये सफर अधूरा है। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहें मेरे साथ। स्वागत है। आज हम लोग निकल पड़े हैं जीरो की तरफ। जीरो में म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है और अभी अभी जीरो के जो एंट्री गेट है वहाँ हम लोग अभी जस्ट एंट्री मारा हूँ अभी, जैसे कि आप लोग पहले दिखा चुका हूँ। और अभी हम लोग जीरो की तरफ निकल रहे हैं। हालांकि ये फर्स्ट टाइम है तो पता नहीं, हम लोग इससे आगे गया ही नहीं मैं एंट्री, मतलब चेक गेट के आगे। तो अभी अभी हम लोग चेक गेट क्रॉस किया है और आगे जाके देखता हूँ कैसा है। तो लेट्स गो टू जीरो, जीरो वैली। एक्चुअली जीरो वैली भी देखना है, उसके साथ साथ आप म्यूजिक फेस्टिवल का लास्ट डे है, तो लास्ट डे में अगर हो सके तो हम लोग एंट्री करेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं। चलो आगे दिखाओ थोड़ा सा। ये रोड ऐसा थोड़ा सा ये रोड स्टार्ट हो गया, देखो नीचे नदी और ये ऊपर पहाड़। मतलब हम लोग आज पूरा एंजॉय करने के लिए आए हैं और हम लोग रास्ते से ब्लॉग शुरुआत कर दिया, क्योंकि देखो अभी क्या है ना, डेस्टिनी तक क्या है, डेस्टिनी तक जाने में मज़ा नहीं है। डेस्टिनी के बीच, मतलब डेस्टिनी तक पहुंचने के बीच में जो होता है, रास्ते में जो मिलता है, जो मज़ा है, वही तो मज़ा है जाने का, ट्रेवल का। डेस्टिनी तक पहुँचने के बाद मज़ा नहीं आता, उससे पहले जो सफ़र है वही सबसे इम्पोर्टेंट है और वही मज़ा है। तो फिर हम लोग मज़ा ले लेके जा रहे हैं, तो चलो लखीमपुर से, मतलब मेरे सिटी से जीरो तक लगभग 119 किलोमीटर है। और केमिन जो मेन गेट है, केमिन तो मतलब अरुणाचल बॉर्डर है, केमिन से 104 किलोमीटर। तो केमिन में आकर हम लोग पेट्रोल वेट्रोल भर रहे हैं गाड़ी में और अभी निकल पड़े हैं। अभी भी कम से कम 93-94 किलोमीटर है यहाँ से, यहाँ से मतलब ये बहुत सा देसी का समथिंग विलेज है ना। झरना है, इस तरह का झरना, मतलब ऐसा झरना तो मिल ही जाता है, ये बाहर से आया हुआ है सब। तो यहाँ से 90 किलोमीटर और भी है और बाहर यहाँ तक तो रास्ता ठीक है,
शायद आगे से और 25 किलोमीटर के आसपास ये सिंगल लेन होगा। ये तो अभी फिलहाल दाबोली चल रहा है, तो वहाँ से थोड़ा सा हमारा ये गति कम हो जाएगा गाड़ी का। तो यार रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट भी है यहाँ पे देखो, और आज का वेदर बहुत सही है, मतलब धूप नहीं है, बहुत सही है। बारिश हुआ था रात को और बहुत छाव है आज, मतलब धूप है ही नहीं, घूमने के लिए परफेक्ट है आज। तो इसलिए हम लोग भी निकल पड़े हैं, और ऐसे भी कल भी छुट्टी है, बस परसों से फिर स्कूल रहेगा, फिर हमारा काम भी है थोड़ा बहुत। तो ये है स्पीड ब्रेकर। तो चलिए दोस्तों, फिर ये गांव आ गया हम लोग, ये गांव आया है, कौन सा गांव पता नहीं, यहाँ से और भी 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है और आगे है। हाँ, येपा गांव समथिंग ऐसा है। ऐसा ही 25 किलोमीटर रहेगा आगे तक, उसके बाद फिर से वो डबल रस्ता स्टार्ट होगा, बट रास्ता ठीक है, कंडीशन अच्छा है। जब आप बहुत लगे मेन मैंने लोकेशन जो सेंटर जगह थके जाए अब बहुत लगे, लेकिन पहाड़ों भीतर ठेटो अलग पतला थके, पतले पतला रास्ता है, छोटा सा ये नैरो है। तो ये ब्लॉग है ना, दो तीन ब्लॉग बन सकता है, दो ब्लॉग बनेगा शायद, एक जर्नी का है मतलब रोड का, और एक उधर का। तो हम लोग बहुत देर तो खेलना है यार, बढ़िया सा जगह है, मस्त है, इधर खेलना है, लेकिन छोटा सा किसा रहा, और ये पानी नीचे होके नीचे जा रहा है। आस पास एक जगह है कि मतलब जीरो से पहले, तो यहाँ आ गया हूँ, और पीछे का ये नज़ारा बहुत सही है, बहुत सही नज़ारा है पीछे, क्या मस्त है, ऑसम। और बहुत यहाँ से और भी 60 किलोमीटर मतलब 60 किलोमीटर दूर है अभी भी, और इतना चलाता हूँ मतलब घुमा फिरा के ना मैं 4-5 किलोमीटर भी चलता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, तो मतलब क्या बोला, अभी और भी बहुत जाना है।